हम तो कांग्रेस की पावांगे जी, वरुण चौधरी है जी। कटारिया तो कभी आया तो है नहीं है जी, रोबन तो कटारिया है जी, वो कभी आई नहीं गई नहीं, हम जाना जी, उन्हें कभी देखी नहीं बाली नहीं भी है। चौधरी के आते हैं? हाँ जी आए जी, हमने देखे भी हैं, बातचीत भी हुई जी। हाँ जी, साल में पांच काम बताएं बेहतर। पांच काम क्या, कौन सा काम नहीं है उसमें? पांच बताए हमें सारे कामों में से पांच जो बड़े। पैन कार्ड है उसका, ठीक है जी, सड़कों वाला महकमा उसका जी, ठीक है जी। एक बाहर ले विदेशों में हमारी पूरी अहमियत है, मान्यता है पूरी। आप गए हैं विदेश? विदेश में गया भी हूँ। कौन से मुल्क में? मैं हम तो यहीं पर पहले गए, छोटे मोटे देश में ही गए, बाकी मोदी राज आने के बाद, मोदी राज आने के बाद नहीं गया। कैसे पता लगा कि वहाँ पर बड़ा हुआ वायु हो रहा है? आप देख नहीं रहे खबरों में आती हैं, आप जैसे ही सुनाते हैं हमें खबरों में। आपको क्या पसंद है, पार्टी, नेता, नीति, काम, क्या पसंद है? राहुल वाले पसंद है। राहुल वाले पसंद है। राहुल का जो भी होगा नेता उसी को डाल, उसी के देंगे। वरुण का तो युवा जब मर्जी बुला ले, ब्याह शादी में किसी फंक्शन में हेलो करने की देर है, उसकी आने की देर नहीं है। बाकी आज तक कोई मिनिस्टर तो यहाँ आया नहीं, उसका बाप नहीं आया खुद। अम्बाला लोकसभा के एक और गांव में धीन ये गांव है, इसमें हम पहुंचे हैं और स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है। आपका क्या नाम है जी? रघुवीर जी। रघुवीर जी मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनाव चल रहा है, अब आपके पास तमाम पार्टी तमाम नेता पहुँच रहे होंगे, अपनी अपनी बात करते हैं, मगर गाँव में माहौल क्या चल रहा है, किस तरफ जा रही है जनता? वो जनता तो देखो जी अपनी मर्जी गया, मैं कहीं जा रहा हो भाई, कहीं जा गए कहीं जा, कोई जबरदस्ती किसी का नहीं है। तो रघुवीर जी का मन क्या कर रहा है, पहले वाले बेहतर या कोई परिवर्तन कर ना? मैं तो भाजपा की वोट पाऊंगा जी। अच्छा। हाँ उरा तो कोई डर वो है नहीं जी, बस भाजपा में क्या अच्छा लगता है आपको? बस अपनी अपनी इच्छा जी, कोई अच्छा नहीं, कोई ना तो रहो जो खाने देगा ना भाजपा खाने देगा, कर का खाना, वोट का अधिकार आ, ये अपनी मर्जी की पानी है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं 5 किलो तो अनाज दे रहे हैं, फिर तो शुरू से मिल रहा जी, वो आज ही थोड़ी मिल रहा, तो कांग्रेस के राज में ही मिलिया। कांग्रेस कह रही भी 5-10 किलो करूंगा, और पहला कह रहे कहा क्या खाने के लिए नहीं दे रहे, वो कह रहे 5 किलो दे रहे हैं जी, दे रहे हैं जी, कोई ये बात बताओ ना। तो मुझे ये बताएं कि मतलब भाजपा के वोट डालने का क्या कारण है, काम बेहतर हुए हैं, नेता अच्छा लगता है, पार्टी अच्छी लगती है? नेता बढ़िया जी, नेता हाँ बढ़िया जी। आपके यहाँ से बंतो कटारिया है, तो बंतो कटारिया ठीक है या लगता है कि नहीं बंतो कटारिया जगह और किसी को दे देते तो बेहतर रहता? चलो कोई बात नहीं, जैसा अपनी अपनी इच्छा जी, और इसमें क्या जी, अपनी अपनी इच्छा देखो, इनते पूछो जी। अच्छा, हम तो खुले आदमी है जी, हम तो। आप बताओ जी क्या नाम है? जनक राज है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि भाजपा ठीक लगती है इनको, आपको क्या ठीक लगता है? क्योंकि कांग्रेस है आपके पास, वरुण चौधरी जो फूलचंद मौलाना के लड़के हैं, ठीक है, इसके अलावा JJP है, INLD है, ठीक है, BSP भी है, तो तमाम कैंडिडेट आपके बीच में, तमाम पार्टी आपके बीच में, कौन बेहतर लग रहा है? बस बेहतर तो सारे ही है जी, जौन सा अपन जगह वही बेहतर है जी। नहीं फिर भी पसंद होती है, क्योंकि वोट तो आप डालेंगे, आप 25 तारीख को बटन दबाएंगे तभी तो कोई सांसद बनेगा, ये तो आपको बनाना है। वोट तो पाएंगे जी, वोट तो डालेंगे जी। किसको कैसे डालेंगे, मुद्दे देख के डालेंगे, कैंडिडेट देख के डालेंगे, पार्टी देख के डालेंगे? डालेंगे देख के डालना पड़ेगा जी, पार्टी पुर्टी कोई नहीं है जी, कैंडिडेट देख के डालने पड़ेगी वोट तो डालेंगे। सारे कैंडिडेट हैं, इनमें से कौन सा बेहतर लगता है? हैं जी, ये सारे कैंडिडेट जो आपके बीच में हैं इनमें से कौन सा बेहतर लगता है? हम तो कांग्रेस की पावांगे जी, वरुण चौधरी है जी, कटारिया तो कभी आया तो है नहीं है जी, रोबन तो कटारिया है जी, वो कभी आई नहीं गई नहीं, हम जाना जी, उन्हें कभी देखी नहीं बाली नहीं भी है। वरुण चौधरी के आते हैं? हाँ जी आए जी, हमने देखे भी हैं, बातचीत भी हुई जी। हाँ जी आए भी हैं, बातचीत भी हुई। वरुण चौधरी पसंद है या पार्टी पसंद है? नहीं पार्टी पुर्टी का नहीं है जी, माने तो नेता पसंद है बस। हाँ जी ठीक है। हाँ जी आपको क्या पसंद है, पार्टी, नेता, नीति, काम, क्या पसंद है? राहुल वाले पसंद है। राहुल वाले पसंद। अच्छा, राहुल का जो भी होगा नेता उसी को डाल, उसी के देंगे जी हम तो। वरुण का तो युवा जब मर्जी बुला ले, ब्याह शादी में किसी फंक्शन में हेलो करने की देर है, उसकी आने की देर नहीं है। अच्छा आवेगा भाई, बाकी आज तक कोई मिनिस्टर का यहाँ आया नहीं, उसका बाप नहीं आया खुद, फूलचंद आए, लड़का नहीं आए, वरुण आता है, आता है ये। अच्छा जी ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने भी 10 साल शासन किया है, रतनलाल कटारिया आपके सांसद थे,
उन्होंने कुछ ऐसा कामकाज करा पाए वो अपने कार्यकाल में? वो हमारा तो राशन मिलेगा तो वो भी कटे आज कट गया वो कहा जी चार लाख रुपए इनकम बता रहे हमारी तो आराम गरीब आदमी हम। एक बार पहचान पत्र है उसमें इनकम ज्यादा हो गई तो आपका राशन कार्ड कट। हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसको कैसे करेक्ट कराते हैं अगर ठीक कराना हो तो? भाजी बने तो है नहीं भी हाल रिक्वेस्ट तो पाई है बाकी बने नहीं है। वैसे मोदी के शासन को कैसे देखते हैं आप? 10 साल का कैसा रहा कार्यकाल? तो ठीक ही रहा जी, काम करने में तो ठीक ही है। वो सड़का सुड़का बनवाई दी उसने, सारा कुछ ठीक ही है। बाकी लोगों ने लोन नहीं दिया ना माफ होया, यहाँ के लोग कट रहे। कैसा लोन? लोन जिन्होंने लिए थे लोन उनके लोन नहीं माफ हुए, जिम्मेदार इस कर का दूसरे पास जा रहे। अच्छा, जिम्मेदार ये चाह रहा था कि उनका लोन माफ हो जाए। हाँ जी, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस वजह से नाराजगी। हाँ जी, बस ये ठीक है, बाकी ठीक है। आपका क्या नाम है जी? मुल्क राज है जी। मुल्क राज जी, मुझे ये बताएं, ये जो मुल्क है इसमें चल रहा है चुनाव, राज किसका आएगा? राज तो मोदी के ऊपर, सेंटर में तो मोदी आएगा जी। अच्छा जी, ऐसा विश्वास कैसे? विश्वास क्या जी, उसके काम कारनामे ही अच्छे हैं, मान ले काम के हिसाब से ही दिखा जाए ना, वो वोट तो उसके हिसाब से चलेगी। क्या काम ऐसे हैं जो आपको लगता हो कि ये मोदी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया? कौन सा काम ऐसा है जो घटिया काम किया उसने, आप ये बताओ। मेरे 10 साल में 5 काम बताएं बेहतर। 5 काम क्या, कौन सा काम लिया उसने? 5 बताएं हमें, सारे कामों में से 5 जो बड़े। आयुष्मान कार्ड है उसका। अच्छा, ठीक है जी। सड़कों वाला महकमा उसका जी, ठीक है जी। एक बाहर ले विदेशों में हमारी पूरी अहमियत है, मान्यता है पूरी। आप गए हैं विदेश? विदेश में गया भी हूँ। कौन से मुल्क में गए? मैं हम तो यहीं पर पहले गए, छोटे मोटे देश में ही गए, बाकी मोदी राज आने के बाद, मोदी राज आने के बाद नहीं मैं गया। फिर कैसे पता लगा कि वहाँ पर बड़ा वाहवाही हो रहा है? आप देख नहीं रहे खबरों में आती हैं, आप जैसे ही सुनाते हैं हमें खबरों में, खबर से पता लगता है। खबर से ही पता लगता है। क्या बेहतर हो गया, पहले क्या नहीं था वहाँ पे? पहले ये देखो जी, कांग्रेस के राज में सारे जो सीमाएं थी अपने कोई किसी भी देश की, हमारे सीमा के ऊपर चढ़े रहते थे सारे, अब सारे पीछे हटे। कह रहा है विपक्ष, कह रहा है कि वो चाइना वालों ने तो जम्मू कश्मीर तक बना लिए सड़क। क्या न्यू तो सारे ही कहते हैं ये एक दूसरे को, न्यू तो अध्यक्ष अपोजिट में तो कही गए एक दूसरे को। हाँ जी, मगर गुस्से नहीं है आप ये कह रहे हो? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं, 6 महीने में छूट जाएगा, क्या बता रहे हैं? क्या मालूम क्या कहा जी, उसी तो पूछो जी क्या छूटेगा 6 महीने से। तो आपको लगता है कि मोदी बेहतर है इसलिए? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्या कह रहे थे आप, 6 महीने में क्या छूट जाएगा? ओके ओके, छुड़वा देगा। ओ, जोगी का पूरा लान है गया। अच्छा, और तो अब तक तो छूटा नहीं वो कर, तो लगी है जी हर काम में देखो। अच्छा, एकदम तो कोई भी काम नहीं होते यहाँ, टाइम तो लगेगा जी। अब की बार मतलब हो जाएगा काम, मोदी बना जी। हाँ, हो जाएगा जी काम, विश्वास, विश्वास पक्का। अच्छा, हाँ जी, हाँ ठीक है, चलिए इनसे पूछते हैं। धन्यवाद पानी के लिए। आप मुझे ये बताएं क्या नाम है आपका? शिवराम जी। अच्छा शिवराम जी, मुझे ये बताएं, अब चुनाव है, क्या कहता है आपका मन? नेता तो आ रहे हो। अच्छा, 30 साल कांग्रेस की पहले। 30 साल से कांग्रेस ही हो? हाँ जी। अच्छा, उम्र कितनी हो गई? 52 साल। 52 साल हो गए तो कांग्रेस में क्या अच्छा लगता है आपको? बाबा अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वोट पाने का अधिकार दिया। हाँ, नहीं तो कल के मंत्री में पैसे के पीछे भाग गए, भाग नहीं। मोदी का 10 साल का काम कैसा है? अपने वास्ता कर सड़क जहाज चले गए, गड़ियाँ चले गए, साइकिल में अपा साइकिल पर जाम तो जी दिहाड़ी कर। अच्छा, बस कोई लोन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये जो दाढ़ी है जैसे मनरेगा में है और में है, मिलती है क्या दाढ़ी? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। ना जी ना। अच्छा, मेहनत करी यार, पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिलते ना। कांग्रेस बनेगी तो आपको लगता है कि सब ठीक हो? 100% जी। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है? राजन है सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई चुनाव चल रहा है, आप जैसे युवा जो हैं वो बहुत से ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोट भी डालेंगे, और युवाओं की एक बड़ी भागीदारी है जो लोकतंत्र का निर्माण करते हैं, क्या लगता है कि अब किस पार्टी का माहौल बन रहा है? कांग्रेस का ही सर। कांग्रेस का, क्या वजह? बस वैसे बीजेपी सरकार में जैसे दर वैसे तो बेरोजगारी है हरियाणा में, आपको देख पता ही होगा, सबसे ज़्यादा देश में हरियाणा में ही बेरोजगारी है, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है इन 10 सालों में। आप क्या करते हैं? मैं तो स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन, तो क्या लगता है कि आपके साथी और भी ट्राई कर रहे होंगे, आप भी जितनी आपकी एजुकेशन होगी, आपने भी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया होगा, तो बात बन नहीं रही है क्या? बन नहीं रही है सर। हाँ जी, तो बच्चे कैसे करते हैं, मतलब प्राइवेट नौकरी करते हैं, यहाँ के बच्चे कैसे पालन पोषण करते हैं? अभी प्राइवेट ही
करना पड़ रहा है, जो सरकारी मिल नहीं रही है, जो प्राइस कर रहे हैं ना, इसलिए तो प्राइवेट ही कंपनी कंपनी में लग जाती। जैसे कांग्रेस ने कहा है कि वो आएंगे तो हर घर में पहली जो नौकरी होगी वो सरकारी नौकरी देंगे, तो आपको विश्वास है कि उनके जो मैनिफेस्टो में कहा गया है कुछ कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे ऐसा हो। हाँ जी, मोदी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? कार्यकाल वैसे तो महंगाई सबसे ज़्यादा है वैसे तो, और वैसे काम अच्छे किए हैं उन्होंने। चलिए, क्या नाम है जी आपका? बात बताओ ना भाई, नाम बताओ आप, बात करेंगे फिर हम। सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश जी, चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है अब किसकी हवा बन रही है यहाँ पे धीन में? इसकी हवा चल रही है, उन्हें तो पता नहीं लगता किसी की हवा चल रही है, जहाँ मन किसी की बात को पति हो लगा तो भी तो बात बताऊँ आगे। नहीं, चुनाव में सारे कैंडिडेट आपके पास आ रहे होंगे, सारे नेता वेता घूम रहे होंगे, कोई नहीं आता? अरे मानो गिरी बात, मैंने कौन पूछा। अच्छा, और ये तो कह रहे हैं कि गरीब को तो हम पहले पूछते हैं, दिखाई दो कि वो कोई पूछ दो। अरे गरीबों के लिए तो काम बहुत कर दिया मोदी ने। काम कर रहे होंगे भाई, वो तो नहीं पूछने तो नहीं गया रहा है यहाँ। अच्छा, कोई बातचीत जिस तरह पूछ रहे ना, कोई यहाँ थोड़ी बात करने रहा कोई। चलिए मैं आपको पूछने आया हूँ, मेरे को बताओ, अब पार्टी देखो एक तो बीजेपी है, उससे दो बंतो कटारिया है, रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी है, एक वरुण मुलाना है, ठीक है, फूलचंद मुलाना का लड़का है, कांग्रेस से कैंडिडेट है, और बाकी ये जेजेपी, आईएनएलडी, बीएसपी, ये सब है, तो इनमें से तो सारी बेकार है जी। अच्छा। जो नहीं चल रही वही ठीक है बस। कौन सी चल रही है? चल रही है अब ये बीजेपी। हाँ, अच्छा, बीजेपी में क्या बेहतर लगता है? बस वो तो आपने पता है जी। हाँ बताओ, आपको क्या अच्छा लगता है? जो भी है ठीक है, नहीं कह तो दिया अभी, बीजेपी है बस और क्या। अच्छा, क्या नेता लगता है, पार्टी लगती है? लगो माड़ा लगो मन सब ठीक है हमारे वास्ते, मतलब बीजेपी चाहिए। चलिए।